सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। इसके लिए हमने बुकरम ली है, वो है लंबाई में 12 इंच, चौड़ाई है वो है 9.5 की। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम यहाँ से हम ऊपर से हम 3 इंच लेंगे, 11.5 लंबाई, पहले हम इस तरीके से चौकुटा बनाएंगे। साढ़े नौ पे हमने ये निशान लगाया है, पूरा गला है वो हमारा 11.5 है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 1/2 इंच हम यहाँ से बुकरम लग के काटेंगे। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेके ये बुकरम को रख के सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। अब हम कपड़े को इसके ऊपर लगा के सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको डबल करेंगे और इसमें बीच में यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे बीच में निशान लगा लिया। अब ये दोनों निशानों को बराबर मिला के एक बार फिर हम यहाँ पर सुई लगाएंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे और बुकरम के नीचे सिलाई लगाते हुए। अब हम ये बीच का कपड़ा काटेंगे, यहाँ पे हम कैंची का कट लगाएंगे। अब हम इसको अंदर के साथ दबाते हुए कट की सिलाई करेंगे। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अब हम इसमें अंदर की साइड धागे को दबाते हुए पाइपिंग लगाएंगे। अब हमारा ये गले का जो अंदर का कपड़ा है इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे। हमें ये कपड़ा गले से 1-1 इंच ज़्यादा चाहिए क्योंकि जब हम ये कपड़े को अंदर के साथ दबाएंगे। अब इसके लिए हमने 2.5 इंच की चौड़ाई पे एक काले कपड़े की पट्टी काटी है, 2.5 इंच की चौड़ाई और 8 इंच की लंबाई। अब हम ये पट्टी को इस तरीके से डबल करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हमारी ये पट्टी 4 इंच की लंबाई हो गई। अब हम यहाँ पे पट्टियों पे इस तरीके से लेस को लगाएंगे, रिबिन है हमारी। अब हम इसको डबल करके बीच में निशान बना लेंगे।
और हम इसको इस तरीके से बीच में अच्छी तरीके से सेट करेंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।